दिल्ली में प्रदूषण ने इस सीजन के अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 57 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 460 तक जा पहुंचा। दिन में एक वक्त तो इसने 493 के स्तर को छू लिया, जिससे हालात और भी खराब हो गए। प्रदूषण और स्मॉग के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही है। स्मॉग के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। थोड़ा आंखों में जलन होती है और मतलब सांस ठीक तरह से लिया नहीं जाता, जैसे फ्रेशनेस चाहिए होती है, वो फ्रेशनेस हवा में नहीं है। एक तो आई में जलन हो रहा है, दूसरे जो लोग को थोड़ा अस्थमा वगैरह, उन लोग का खांसी शुरू हो जाता है और सुबह जैसे सफोकेशन लगता है और ठीक से मतलब जैसे क्लियर नहीं दिखाई देता है और बॉडी में भी कैसे हिचिंग टाइप का लग रहा है। बच्चे सब बीमार हैं और क्या है, दिख ही रहा है पूरा रोडों पर कैसे ये सब चल रहा है, उस चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। दिल्ली समेत पूरे NCR में अभी लोगों को इस प्रदूषण और स्मॉग से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गवर्नेंस नाउ के लिए पवन त्रिपाठी।